एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती, एक कमल शर्मा। फिल्म संगीत का नशीला जादू सदाबहार नगमे, गाता रहे मेरा दिल, नगमे जो आज भी जवां है, नगमे जो आज भी हसीन है, महताब तेरा तेरा, नगमे जिनके सुरूर का कहना ही क्या है, दुनिया उसे के जमाना उसे का। फिल्म संगीत के बेमिसाल फनकारों की बेमिसाल कारीगरी सदाबहार नगमे। ये समा, समा है ये प्यार का। सदाबहार नगमे सुनिए रोजाना दिन में 2:30 बजे से। फिल्म संगीत के सदाबहार नगमे केवल विविध भाष। करीब 3 दशक तक रेडियो में अपनी सेवा देने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिनकी आवाज़ आज भी हमारे जहन में है, और आज भी जब पुराने कुछ रिकॉर्डेड कार्यक्रम हम सुनते हैं विविध भारती पर, तो वो जाना पहचाना आवाज़ जो है बिल्कुल से पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। करीब 3 दशक तक आकाशवाणी में विविध भारती में अपनी सेवा देने वाले कमल शर्मा जी आज हमारे साथ में हैं, और आवाज़ की दुनिया के जादूगर रहे हैं, बेताज बादशाह माने जाते हैं, और कह सकता हूं कि अमीन सयानी जैसे जो एक आर्टिस्ट थे, आवाज़ के बादशाह थे, उनके ही समकक्ष, उनके बाद कोई अगर सबसे ज़्यादा मकबूल मशहूर अगर कोई हुआ तो वो कमल शर्मा जी हैं। कमल शर्मा जी आज हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार, और सारी जो दर्शक हैं उनका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कमल शर्मा जी से हम बात करेंगे, पर उस अंदाज में बात करेंगे जिस अंदाज को हम लगातार रेडियो पर सुनते आए हैं। आपको याद होगा विविध भारती में हेलो फरमाइश आप लोगों ने सुना रहा होगा, वो जिनको भी याद होगा वो कार्यक्रम। मैं चाहूँगा कि उस अंदाज में अगर आप स्वागत करें और बताएं कि आप हेलो फरमाइश जब आप स्टार्ट होता था तो किस सभी सुनने वालों को कमल शर्मा का नमस्कार। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का वो अलबेला प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो फरमाइश। तो अब शायद आपको ये लाइन जो है याद आ गई होगी, हेलो फरमाइश में आप काफ़ी समय तक आपने सेवा दिया। इस प्रोग्राम को मैंने डिज़ाइन किया था, ये 1996 की बात है, और उन दिनों हमारी स्टेशन डायरेक्टर हुआ करती थी विविध भारती की विजय लक्ष्मी सिन्हा। तो उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, उसका नाम था पिटारा। तो वो पिटारा ऐसा था कि उसको 4 बजे का समय मिला था, और सोमवार को पिटारा में एक कार्यक्रम जैसे सेहतनामा, फिर एक दिन दूसरा, एक दिन संस्कृति पर केंद्रित कार्यक्रम, एक दिन सिनेमा पर, और एक दिन हेलो फरमाइश के लिए। तो उन्होंने कहा कि कमल जी हम एक फ़ोन इन प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, बस इतना काम मुझे। अब आप सोचिए कि इसको कैसे करना है। तो इसका नाम हेलो फरमाइश वो मैंने रखा, फिर इसकी सिग्नेचर ट्यून कुछ हमारे एक सीनियर ब्रॉडकास्टर थे लोकेन शर्मा जी, उन्होंने म्यूज़िक ये सिग्नेचर ट्यून्स कंपोज जो करवाई गई थी उनमें से कहा कि कमल जी इसमें से आप देखिए आपके प्रोग्राम के लिए कौन सी सूटेबल है। तो उसमें से फिर एक सिग्नेचर ट्यून हमने चुनी, लेकिन बाकी जो है उसकी पूरी एडिटिंग मिक्सिंग जो है वो सब हम करते थे, और पहला प्रोग्राम जो है हमने आस पास के जो लोग थे उन्हीं को लेके किया। लेकिन जैसे वो एयर पर गया तो जैसे कहते हैं ना कि वो हंगामा सा हो जाता है, बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई। और उसके बाद में तो फिर क्या कि वो इतिहास हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान का वो पहला इंटरेक्टिव फोन इन प्रोग्राम था। तो उसको सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि शोहरत उसको पूरी दुनिया में, बहुत सारे मुल्कों से हमें उस ज़माने में लोग फ़ोन करते थे, और मतलब जिनको शॉर्ट वेव पे हमारा प्रसारण मिलता था। अब तो ऐसा है कि आपके स्मार्टफोन पे ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं कि आप बटन दबाइए और दुनिया के किसी भी हिस्से में आप विविध भारती सुन सकते हैं, लेकिन उन दिनों ज़रा ये चुनौती वाला काम था।
अक्सर हम लोग सुनते रहे हैं, जो श्रोतागण रहे वो उनकी एक शिकायत भी रहती थी कि फ़ोन नहीं लगता, फ़ोन काफ़ी व्यस्त आता है। ये तो बहुत शिकायत करते थे और कई तो बहुत नाराज़ इतने ज़्यादा हो जाते थे कि कई बार वो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते थे जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। लेकिन ये उनकी उस प्रोग्राम को लेकर के जो मोहब्बत थी, उनका जुनून कह सकते हैं, क्योंकि उस ज़माने में आप देखिए कि जब नया नया ये लोग पीसीओ से फ़ोन करते थे और एक मिनट की कॉल जो हुआ करती थी उसके करीब इनकमिंग के भी पैसे लगते थे। तो उस ज़माने में जो एक क्रेज़ था इस प्रोग्राम के लिए, वो फिर मुझे याद है कि टेलीकॉम डिवीजन के गुजरात के वो जीएम थे शायद, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि साहब हम आपको फेलिसिटेट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि साहब क्यों, कहते कि पहला प्रोग्राम हमने देखा फ़ोन का साहब, कि इसने हमारा रेवेन्यू एक तो बढ़ा दिया है और फ़ोन में कोई ऐसा प्रोग्राम हो सकता है, इतना पॉपुलर हो सकता है। और उसके बाद तो देश के बहुत सारे हिस्सों में इस तरह के प्रोग्राम शुरू हुए, लेकिन हेलो फरमाइश ने जो एक मकाम हासिल किया था, और मुझे याद है कि पहली बार जब वो प्रोग्राम एयर पे गया था तो उस समय उसको स्पॉन्सरशिप मिली थी हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड की, और हमने कोई 70 लाख रुपए उसे कमा के दिए थे। तो उस प्रोग्राम ने अपना खर्चा भी निकाल के दे दिया था सरकार को, ये कह सकते हैं। तो हेलो फरमाइश की तरह ही एक कार्यक्रम विविध भारती पर काफी दिनों तक सुनते थे हम लोग जी, जो कारगिल के बाद था। हाँ जी, उस प्रोग्राम का नाम था हेलो कारगिल, और उन दिनों हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे अशोक शर्मा साहब। तो जब ये वॉर छिड़ा तो आपको मालूम है कि विविध भारती पर जयमाला कार्यक्रम 1957 में शुरू हुआ था, और पहला प्रोग्राम जो है मेरे ख्याल से अभिनेत्री नरगिस जी ने पेश किया था। तो ये इसलिए किया कि हम हमारे फौजियों को जो सरहदों पर तैनात हैं उनको ये ना लगे कि वो अकेले हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इसी हौसले के साथ और इसी ख्वाहिश के साथ में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो जब कारगिल का वॉर हुआ तो फिर से ये इसकी ज़रूरत महसूस हुई, तो गवर्नमेंट ने उस समय क्या किया था कि जो मोबाइल ट्रांसमीटर्स लगाए थे ट्रकों पर, और हमारे क्योंकि जब आप बंकर में होते हैं या कहीं पर तो स्मार्टफोन आप चला नहीं सकते, रोशनी का एक भी हल्की सी झलक दुश्मन को मिली तो वो कुछ भी हो सकता है। तो उनके लिए मनोरंजन का एक सहारा रेडियो, और वो उनको देश के साथ में जोड़ता भी था। तो विविध भारती पर वो प्रोग्राम जब शुरू हुआ उसका सौभाग्य मुझे मिला, उसका नाम भी मैंने किया हेलो कारगिल उसका नाम रखा, इससे बेहतर नाम सूझ भी नहीं सकता था। तो पूरे देश से फौजियों के जो अफसर थे, फौजी उनके परिवार के लोग हमें फ़ोन करते थे, उनकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास में आती थी, और जैसे पूरा देश जो था उनके साथ खड़ा था। और हम उसमें ऐसे ऐसे कार्यक्रम उसमें जो गाने लगाते थे जो हमारे फौजियों को चार्ज कर दें। देखिए, हम अपने फौजियों को देश सेवा नहीं सिखा सकते, देश सेवा तो हम उनसे सीख सकते हैं, हम उनको क्या सिखाएंगे, हम सिर्फ उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। वो जिस तरह का सेक्रीफाइस करते हैं, जैसा बलिदान देते हैं, वो अकल्पनीय है। तो हमारे नायक तो असली वही हैं, और अपने नायकों को हम क्या देश सेवा सिखाएंगे, तो हम तो उनसे सीख सकते हैं। और उस समय मुझे लगा कि मेरी नौकरी सार्थक हुई, मुझे अपने फौजियों की सेवा करने का मौका मिला इस बहाने। और मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि जब भी विजय दिवस की बात आती है हमारे इस कार्यक्रम को कभी याद नहीं किया जाता, लोग इसका जिक्र तक नहीं करते, उसको भुला देते हैं। लेकिन मुझे याद है कि 4 महीने तक, क्योंकि जिस तरह का रिएक्शन फौजियों का हमें मिलता था, वो कहते थे कि साहब ये जो कार्यक्रम है आपका सुनने के बाद में हमारी भुजाएं फड़कने लगती हैं, हमारा जो जज्बा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, हमको बहुत हौसला मिलता है और हम आपके शुक्रगुजार हैं। मुझे याद है कि जयपुर में किसी मिलिट्री हॉस्पिटल से एक कॉल आई, और वो कोई छोड़ नहीं रहा है, किसी एक फौजी साथी ने फ़ोन किया और बाद में वो कहते हैं मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है। और देखिए साहब कि मैं तो एसी रूम में बैठ के बात कर रहा हूँ, वो कैसे कहते हैं, मैंने कहा हाँ साहब बताइए, कहते मुझे मेरी बाँह कट गई है, मुझे पीठ में गोलियाँ लगी हैं, मुझे जांघ में गोलियाँ लगी हैं, मेरा एक हाथ कट गया है, मेरा पाँव का पंजा उड़ गया है। और जज्बा, कमल जी आपसे बात हो गई है, अब मैंने कहा अब क्या करेंगे, बस आपसे बात हो गई, फिर से जाएंगे सरहद पर लड़ने के लिए। आप देखिए कि ये चीज़ें कई बार बोलते बोलते हमारा गला रुंध जाता था, इतनी ज़्यादा इमोशनल कर देती थी। फिर आपको लगता है कि आप क्या हैं, इनके जज्बे के सामने हमारा जज्बा कोई नहीं है। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगा कि
इस बहाने से मुझे एक बहुत बड़ा काम करने का अवसर मिला देश के फौजियों के लिए। कहते हैं कि सबका अपना एक तमीज़ होता है, जी जी, चलने का, खाने पीने का, जी, बात करने का। ये जो लहजा, हाँ, जो आपके सामने खुद भी बात करने में मुझे भी एक असहज हो रहा हूँ मैं, ये जो लैंग्वेज है, जो उच्चारण है, जो कहते हैं आकाशवाणी में जिसने काम किया है उसका उच्चारण कभी भी खराब नहीं हो सकता, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई आकाशवाणी में और प्रसार भारती? देखिए, आकाशवाणी में आने से पहले क्या है, मैं इसका श्रेय अपनी माँ को लूँगा। मेरी माँ बहुत विदुषी थी और वो उनके आर्टिकल जो हैं लेख छपा करते थे दैनिक वीर अर्जुन में, उनके पत्र नियमित रूप से बीबीसी लंदन से प्रसारित होते थे, तो कहीं ना कहीं रेडियो के प्रति जो वो एक शुरुआती जो संस्कार होते हैं वो माँ से आए। हम सब पूरा परिवार जो है, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो हमारे घर में रेडियो बहुत बड़ा सहारा था और मेरे बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा जंगल में बीता है। जंगल में तो रेडियो के अलावा हमारे पास कोई साधन ही नहीं था मनोरंजन का। तो क्या है कि फिर मैं डिबेट में जाता था, मुझे बचपन से फिर माँ ने कविताएं लिखने की संस्कार डाले, मैं फिर थिएटर से जुड़ा, थिएटर ने मेरी खिड़कियां खोली दिमाग की, और वहां पर भी स्पीच पे बड़ा चूंकि बड़ा काम होता है, और सौभाग्य से कुछ ऐसे दोस्त थे जो रेडियो से जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे रेडियो में आने के लिए प्रेरित किया। तो मैं 1980 के आसपास कैजुअल जो है उसके रूप में आया, नैमित्तिक, मध्य प्रदेश में रायपुर हुआ करता। हाँ हाँ जी जी, और तब मैंने फिर जनरल अनाउंसमेंट से शुरुआत की, फिर वहीं पर एक पोस्ट निकली युवाणी में कॉम्पियर की, तो मेरा मेरिट में सिलेक्शन हुआ। 600 कैंडिडेट थे और मेरा कोई गॉडफादर नहीं था, कोई मेरी पहचान नहीं थी, क्योंकि बहुत दबाव था हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब पर, और किसी बहुत नामी मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनका कई बार फ़ोन आया कि इस कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाए, तो 7 महीने बाद मेरा रिजल्ट जो है मुझे दिया गया और मैंने टॉप किया था, तो उसके बेस पर फिर मुझे नौकरी मिली और मैंने उस नौकरी को सार्थक करने की कोशिश की। मुझे लगा कि रेडियो में मैं आया हूँ तो मेरा एक जो लोगों के प्रति एक जो सरोकार होता है, सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, क्योंकि आकाशवाणी की परंपरा रही है जहाँ पर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, मनोरंजन उसमें आखिर में आता था, लेकिन विविध भारती उसका एक ऐसा चैनल है जहाँ पर मनोरंजन सबसे पहले आता है, तो आकाशवाणी ने बहुत कुछ सिखाया। आपने कहा कि आपका जीवन जंगल में गुजरा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले तो मैं आपसे ये जानूंगा कि रायपुर से होकर आप सपनों की नगरी मुंबई तक पहुंचे, जी जी, और मुंबई विविध भारती में आपने सेवा दिया, जी जी। मुंबई पहुंचकर कैसा लगा? आपने सैकड़ों बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू किए हैं, नौशाद साहब, लता मंगेशकर जी का भी शायद आपने किया है, जी, जी, उसके बारे में जरा बताएंगे कि जब किसी बड़े हस्तियों का अगर इंटरव्यू जब करना पड़ा तो जी, कैसा लगा आपको यहाँ से पहुंचकर वहाँ? देखिए, यहाँ मेरे जो सीनियर्स थे, वो मेरे स्टेशन डायरेक्टर भी, वो कहते थे कि आपकी आवाज़ जो है यहाँ के लायक नहीं, और आपको बड़ा होराइजन चाहिए, और आप चाहिए कोशिश करिए और मुंबई आपके लिए ज़्यादा मुफीद रहेगा। मैं इसके पहले एक बार 91 में भी आया, तब मैंने एक ऑडिशन दिया था महाभारत सीरियल के लिए भी, और बाद में मेरे मुझे कॉल भी आया, तो मैंने कहा कि मैं रायपुर आ चुका था, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे बुलाया जाएगा किसी आर्टिस्ट की आवाज़ के लिए। बहरहाल 1992 में फिर मैं इस बीच, क्योंकि मैं एप्लीकेशन दे चुका था ट्रांसफ़र के लिए, और मेरे एक बहुत सीनियर हैं जिनको मैं भाई साहब बोलता हूँ, वो मेरे बॉस भी थे, इमीडिएट बॉस थे लक्ष्मेंद्र चोपड़ा साहब, तो उन्होंने मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव बातें कही थी विविध भारती में, और मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब जो मैंने रिप्रेजेंट किया था वो एक्सेप्ट हो गया, और उसके बाद में ट्रांसफ़र हो गई, और उसके बाद में मैं गया, तो शुरू के 3-4 महीने जो थे मुझे बड़ा डिप्रेशन भी रहा रायपुर में, मैं एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बादशाहत होती है वैसी, और उस बादशाहत को छोड़ करके मैं गया था, और मुंबई मुझे डोमीवली में रहना पड़ता था शुरुआती दिनों में, तो बड़ा डिप्रेशन आ गया। मैंने दोबारा ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया रायपुर के लिए, और फिर से ट्रांसफ़र हो गई मेरी। फिर मुझे किसी ने कहा कि इतनी जल्दी आप हार मत मानिए और आप रुकिए कुछ समय और मौका मिलेगा आपको, तो फिर मैंने फिर से अप्लाई किया कि साहब मेरी जो ट्रांसफ़र कैंसिल कर दी जाए। बहरहाल तो उस टाइम, उन दिनों हमारा ऑफिस जो था वो वानखेड़े स्टेडियम के सामने है, एक ओल्ड सी जो बिल्डिंग है वहाँ उसके, और एक तरफ बॉम्बे हॉस्पिटल था, तो उसके 3rd फ्लोर पे हमारा ऑफिस था। मैं ऑफिस देख करके भी मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि बड़ी इतनी बड़ी संस्था, इसका इतना नाम है, और हमारी बिल्डिंग ज़्यादा खूबसूरत थी रायपुर की, लेकिन कहते हैं ना कि
रेस्टोरेंट कैसा भी हो, खान सामा अगर उसका बहुत अच्छा है, खाना बड़ा अच्छा मिलता तो आप वहीं जाएंगे। तो ये वो रेडियो स्टेशन था जहाँ से पूरे देश का मनोरंजन होता था और बेहतरीन प्रोग्राम, और उसका एक वो मानक था अपने आप में। तो उस संस्था से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात थी। तो फिर संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मुझे शायद मैंने पहला इंटरव्यू जो है उस समय फिल्म अभिनेता जयराज साहब का किया था, जो मूक सिनेमा से भी आए थे। उसके बाद में धीरे धीरे हमारे जो सीनियर्स थे उनको लगा कि मैं अच्छा इंटरव्यू लेता हूँ, मुझे मौका देने लगे वो बार बार। और उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा इंटरव्यू करने का मौका मिले, एक प्रोग्राम हुआ करता है, वो बशीर बंदू साहब का एक मशहूर शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे राजेश रेड्डी साहब, खुद शायर थे, बहुत नामी शायर हैं। तो उन्होंने यहाँ से ये टाइटल दिया और एक कार्यक्रम शुरू किया, हाँ, उजाले उनकी यादों के। और उसमें फिर मौका मिला, उसमें बी आर चोपड़ा साहब, वहीदा जी और ऐसे और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनसे मुझे, संगीतकार प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, आनंद जी, सरदार मलिक, उपिन अय्यर साहब। तो जब सामने बैठे तो मुझे यकीन ना हो, जैसे कहते ना कि आप एक स्वप्न की अवस्था में, जागृत स्वप्न की अवस्था में, जैसे अभी मेरी स्थिति है। यानी आपने बहुत अपने स्तर पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अपने फील्ड के आप बहुत नामी अपने क्षेत्र की हस्ती हैं। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आप जैसे गुणी इंसान के साथ में ये कार्यक्रम शेयर कर रहा हूँ। तो उस समय यही कैफियत हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात है मनीष जी की, जब मैं ये जो तमाम बड़े लोग हैं, ये ऐसे नहीं बड़े बने, इनके पीछे इनकी तपस्या, इनका स्वभाव और ये जो मिठास है, अगर नौशाद साहब के व्यक्तित्व में वो मिठास नहीं होती तो शायद संगीत में वो मिठास नहीं आती। उपिन अय्यर साहब के संगीत में ये जो मिठास आई है वो भी उनके स्वभाव की। तो लता जी, ये सब के सब जो लोग हैं, जो जितने बड़े उतने ही विनम्र, उतने ही झुके हुए, एक ये मैंने महसूस किया। और बल्कि कई लोग ऐसे भी मिले जिनमें इतनी ज़्यादा, थोड़ी से समय में सफलता पाने के बाद में दिमाग सातवें आसमान पर है। करगिल युद्ध के समय मुझे कई बार बड़े कड़वे अनुभव हुए। फिल्म स्टार हैं, उनके पास में बहुत सारे जो फिल्म अभिनेता और फिल्मकार थे जिनके पास अपने फौजियों के लिए समय नहीं था, लेकिन वहीं पर कुछ सिनेमा से जुड़े कलाकार ऐसे भी थे जो बार बार कहते थे कि आप बताइए अब मुझे कब, मुझे याद है मुकेश ऋषि, उसके अलावा ये संजय लीला भंसाली साहब, इनका फ़ोन, और ऐसे और कई जो लोग हैं वो अपने फौजी जवानों के लिए पूरे समर्पण से कहते कि क्या सहयोग है, कुछ भी चाहिए रेडियो के बहाने आप हमको बताइएगा। लेकिन अपने अपना स्वभाव है, लेकिन कई लोग ऐसे थे कि जिनके पास अपने फौजियों के लिए एक मिनट का भी वक्त नहीं था। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उनकी जो छवि है अपने चाहने वालों के दिल में वो कहीं फिर से तड़क ना जाए, वो वैसी बनी रहे, इसलिए मैं वो नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन ये अनुभव तो हुआ, तब मुझे लगा कि ये तमाम लोग अगर सिनेमा में आज सफल हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो उन फौजियों की वजह से जो सरहदों पर हमारी वजह से डटे हुए हैं, हमारे लिए डटे हुए हैं, हमारे लिए गोली खाते हैं। तो बहरहाल इन तमाम लोगों से बात करना, और वो भी अब सोचिए कि नौशाद साहब आपके सामने बैठे हैं, उनका एक बड़ा ही अंदाज़े बयां बड़ा खूबसूरत सा है, और वो 6-7 घंटे बैठने का मौका मिला है, उनके साथ आप खाना खा रहे हैं, नाश्ता किया है, फिर इंटरव्यू बीच में रोका, फिर चल पड़ा। तो वो एक बड़ा ही, वो अनुभव मेरे जीवन का सबसे विशिष्ट, बहुत बेशकीमती है जिसको कहते हैं अनुभव, वैसी वाली बात है। और इन सबसे बहुत प्यार मिला, नैयर साहब मुझे बहुत बेटे की तरह चाहते थे, प्यार करते थे, प्यारे जी से आज भी मैं जुड़ा हूँ। आनंद मिलिंद हैं जिनके पिता, ये बहुत बड़ा नाम है संगीत का, चित्रगुप्त जी जो बिहार से थे, और उनसे भी बहुत अच्छी मित्रता है। बहुत सारे फिल्म अभिनेता मुझे याद है, आदेश श्रीवास्तव जी जबलपुर के, उनका पूरा परिवार, जतिन ललित और विजेता जी, सुलक्षणा पंडित जी, बहुत आत्मीयता से, बहुत आत्मीयता, तो आप अभिभूत हो जाएं। तो ऐसे तमाम लोग जिनसे भी बात करने का मौका मिला, तो ये मेरे लिए अब स्मृतियों की सबसे बड़ी पूंजी है, यही है।